नमस्कार दोस्तों, फाइनली रेलवे की वैकेंसी आनी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसएन लोको पायलट, साथ ही साथ टेक्नीशियंस के सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया हुआ था मगर मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरा इससे बेहतर एग्जाम क्रैक मैंने उस टाइम में कर लिया था। देखिये, ये वैकेंसी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की या रसी जयपुर की, ये एक रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए है। मगर सूचना मिल रही है क्योंकि इस तरह की वैकेंसी भी आ चुकी है, आप देख भी पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लोको पायलट की रेगुलर वैकेंसी जिसमें सभी लोग एलिजिबल होंगे, जिसमें डिप्लोमा आईटीआई बीटेक वगैरह इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, वो वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं, आखिर सिलेबस इसकी क्या है। तो यह है इसकी सिलेबस और इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एनालाइज फॉर यू ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में एनालाइज फॉर यू ऐप की जो है वो लिंक दे दी गई है, या गूगल प्ले स्टोर में एनालाइज फॉर यू ऐप वहां से देख लीजिए, क्योंकि इसकी टेस्ट सीरीज में मैं उस पर लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत सारी आपको मटेरियल वहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, जरूर डाउनलोड करिए। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक तो मैं टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, दूसरा लोको पायलट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि लोको पायलट की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई होती है, उसके बाद डिप्लोमा यदि है, बीटेक वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो यही रहती थी और उम्मीद करते हैं यही यहाँ पे भी रहने वाली है, और अभी जो निकली हुई थी जयपुर में उसमें वही दिया गया था कि मिनिमम आईटीआई फिर डिप्लोमा, ठीक है, ये दिया गया था उसमें। देखिए इसमें एएलपी के लिए तीन स्टेज में एग्जाम होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको टेस्ट। और यदि हम लोग बात करें कि टेक्नीशियन के लिए क्या होता है तो दो टेस्ट, ऊपर का सीबीटी और सीबीटी 1 और 2, ये दो टेस्ट आपको टेक्नीशियन के लिए देना पड़ता है, ठीक है, मतलब ये दो जो है दोनों के लिए कॉमन है, और तीसरा टेस्ट जो है लास्ट वाला आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ लोको पायलट को देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि बात करें तो सीबीटी 1 में आपको पहले पास करना पड़ेगा तभी आप सीबीटी 2 के लिए जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब सीबीटी 1 में जो पास करेंगे वो सीबीटी 2 देंगे, और फिर यदि आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा उसी में, और यदि आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो फिर आपको साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा। यदि हम लोग बात करें कि कैसे इसमें जो है एक क्वालिफाई कैसे करता है बच्चा, देखिए लोको पायलट की बात करें तो सीबीटी 2, ठीक है, चलिए हम लोग सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सिलेबस आप देख लीजिए सीबीटी स्टेज 1 का, तो ये सिलेबस आप देख पा रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पे मैथमेटिक्स देख पा रहे हैं, मैथ के 20 सवाल आते हैं, एक सवाल में एक मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं जिसमें 25 आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है जनरल साइंस जिसमें 20 सवाल आते हैं और यहाँ पे 20 मार्क्स। उसके बाद हम लोग बात करें जनरल साइंस जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है और 10th लेवल का रहता है। फिजिक्स आपका यदि मजबूत है, जैसे मेरा फिजिक्स बहुत मजबूत था इसलिए मैंने आराम से एग्जाम क्रैक कर लिया था, क्योंकि फिजिक्स के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसमें 10 सवाल आते हैं 10 मार्क्स। उसके बाद टोटल हो गए 75, सबको जोड़िए तो 75 प्रश्न हैं और आपको मिलेंगे समय 60 मिनट, मतलब एक घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। सीबीटी 1 पास हो गया, अब आएंगे आप सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 जब आएंगे आप तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, वही सब जितने सब्जेक्ट थे, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से जो है ये करेंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसमें करेंट अफेयर का सवाल आएगा। चलिए आगे बात करेंगे कि और आगे क्या चीजें हैं यहाँ पे। देखिए इसमें टोटल प्रश्न सब मिला के रहेगा 100 मार्क्स के लिए और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें आपका पार्ट बी होगा, देखिए ये पार्ट ए था, ठीक है, ये वाला जो था ये पार्ट ए था, मतलब कि सीबीटी 2 में दो पार्ट में रहेगा, एक तो पार्ट ए जो कि आपका नॉन टेक्निकल होगा, ठीक है, जो कि नॉन टेक्निकल ये था, ठीक है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट्स मतलब डेढ़ घंटा। दूसरा पार्ट होगा यहाँ पे आपका, देख पा रहे हैं दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे है रेलिवेंट जो ट्रेड होता है, मतलब आपका जो ब्रांच पेपर है, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, उसमें इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए बहुत सारे जो आईटीआई होल्डर होते हैं तो उससे मिलता हुआ जुलता जो है, ठीक है, इस तरह का रहता है उसमें, तो इसमें जो है आपका वो रहेगा पार्ट बी में रेलिवेंट ट्रेड, और इसमें 75 प्रश्न रहेंगे, 75 इसमें मार्क्स रहेगा, इसमें एक घंटा आपको मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, डेढ़ घंटा और एक घंटा, ढाई घंटा मिल गया आपको। टोटल प्रश्न कितने हो गए, 175, ठीक है, तो आपको ये क्रैक करना है। देखिए यहाँ पे जो पार्ट ए वाला है, ये वाला, ये मेरिट में जुड़ता है, इसका 70%, ये पार्ट ए वाला 100 नंबर का जो है ये 70% इसका मार्क्स उठेगा,
उसके बाद, मतलब पार्ट बी जो है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता, ठीक है। तो आपका 70% उसमें, और उसके बाद यदि हम लोग बात करें लोको पायलट की, जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद सीबीटी 2 के बाद आपको साइको टेस्ट देना होता है, ठीक है। साइको टेस्ट में क्या होता है, साइको टेस्ट में आपका ये होता है कि आपके ब्रेन जो है देखी जाती है कि आप कहीं पागल वगैरह तो नहीं है, आपका ब्रेन आईक्यू टेस्ट कितना है, कितना आप जल्दी, मेमोरी कैसा है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, ठीक है। आपको डायरेक्शन वगैरह दे दिया जाएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी वहाँ पे, और आपको याद रखना है, कई बार कुछ भी सवाल उससे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए अलग से सेशन में करूँगा, तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएगी, इंटरव्यू टाइप की कोई वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि 70% जो है पार्ट ए, सीबीटी 2 का पार्ट ए जो है ये वाला, और 30% जो है साइको टेस्ट, ठीक है, उसका यहाँ पे जोड़ा जाता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। मतलब सीबीटी 1 का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, सीबीटी 1 में मगर पास करना जरूरी है, तभी आप सीबीटी 2 में जाएंगे, ठीक है। सीबीटी 1 में पास करना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे आपका सिलेबस है, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे मैथ है, जनरल साइंस है, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है। तो ये आप सिलेबस देख पा रहे हैं, ये पूरी सिलेबस यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, तो उसके टेंशन नहीं है। उसके बाद सीबीटी 2 का जो है ये सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरी सिलेबस, ठीक है, तो ये आपका काम आएगा। उसके बाद हम लोग बात करें, जैसा कि मैं ट्रेड की बात कर रहा था, तो जिनका इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। हालांकि इलेक्ट्रिकल जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप जरूर इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। उसके बाद मैकेनिकल वाले कि ये सिलेबस है, मैकेनिकल में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, आपका जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, स्ट्रेन ऑफ मटेरियल है, ड्राइंग है, ठीक है, उसके बाद थर्मल है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक, ये सारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारे आप कंप्लीट करिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ना आपको, ठीक है। ये आप उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल का ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस है, और कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।